लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो रिट्रेड कर रहा हूँ जीपीपीएल को, कल ही हमने इसे स्पेशल एक कैटेगरी में ही कवर किया था, क्योंकि अगर इसका मंथली स्ट्रक्चर देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक राइजिंग थ्री फॉर्मेशन है एंड जिस तरीके से अपने वीकली चार्ट पे इसने अपने 200 बार वीकली को मेंटेन किया है, जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है 142 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो खरीदारी करनी है जीपीपीएल, इस पर्टिकुलर काउंटर में स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 104 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशन रिव्यू करनी है अराउंड 140-142 के जोन ओके तो ये है आपके लिए जीपीपीएल गुजरात पिपाव। ज्यादा आप शॉर्ट फॉर्म लोग, पता में। चला कंपनी नाम ही बदल दिया। करेक्ट सर। हाँ, आप लोगों के चक्कर में पता चला नाम बदलने पे मजबूर हो जाएगा कंपनी। अच्छा, वाकई में हमारा नाम बड़ा है, गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड। सचिन जी कहते चलो जीपीपीएल ही कर लिया जाए, वैसा हो सकता है, मतलब दबाव ऐसे ही बनता है एक्चुअली। लेकिन खरीदारी की आए 142 के टारगेट के साथ जीपीपीएल पे।